जम्मू कश्मीर में आज आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, सुरक्षा बल और पुलिस निशाने पर, हाई अलर्ट पर सेना। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंका, दो जवान घायल। सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन के जवानों पर ग्रेनेड फेंका गया, पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मेंढर के मनकोट सेक्टर और कृष्णा घाटी में कल सीमापार से गोलीबारी हुई, पाकिस्तान लगातार तोड़ रहा है सीज फायर। पिछले सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी ने आतंकियों के सामान बरामद किए, दवाइयां, कपड़े, वॉकी टॉकी भी शामिल। पाकिस्तानी गोलाबारी में कई घरों को नुकसान, 5 महीने में एलओसी पर 32 और कश्मीर में 45 आतंकी मारे गए। पेंगोंग झील के रास्ते चीनी सैनिकों ने लद्दाख में घुसपैठ की, भारतीय सैनिकों को देखकर वापस लौटे। जून के पहले हफ्ते में भी चीनी सैनिक कई बार लद्दाख में कर चुके हैं घुसपैठ। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आज से पूर्ण दार्जिलिंग बंद का ऐलान, लोगों की बढ़ेगी मुश्किलें। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल वीडियो दफ्तर में आग लगा दी, दार्जिलिंग में अभी भी 2000 पर्यटक फंसे हुए हैं। बालाघाट पटाखा फैक्ट्री मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया को जिम्मा। 25 जून को पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर जाएंगे, 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात में आतंकवाद और रक्षा संबंधों पर बातचीत संभव। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की, संगठन महामंत्री रामलाल ने भी सीएम से रिपोर्ट ली। मंदसौर हिंसा और गोलीकांड पर जांच आयोग का गठन, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज 3 महीने में सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। एमपी में किसानों के उग्र आंदोलन को लेकर गृह सचिव डॉक्टर मधु खरे पर गाजगिरी, केदार शर्मा बने नए गृह सचिव। मध्य प्रदेश में किसानों को फिर भड़काने की कोशिश, सतना में कांग्रेस नेता दिलीप मिश्रा ने कहा, किसान चलाएंगे सरकार पर गोली। जबलपुर में कांग्रेस नेता सचिन यादव ने मंडी में आग लगाने की बात कही, गृह मंत्री ने कहा भड़काने वालों पर कार्रवाई हो। आज एक दिन के हड़ताल पर रहेंगे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी, प्राइवेट ऑपरेटर्स को परमिट देने का विरोध। लंदन के कोर्ट में कर्ज में डूबे कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर आज सुनवाई, सीबीआई के बड़े अधिकारी भी लंदन में मौजूद। मॉडल और अभिनेत्री कृतिका चौधरी की उसके फ्लैट में लाश मिली, पुलिस के मुताबिक सड़ी गली अवस्था में शव पड़ा था। मुंबई के बांद्रा में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में 3 लड़कियां घायल। मानसून की पहली ही बारिश से मुंबई बेहाल, निचले इलाकों में पानी भरा, कई जगह ट्रैफिक जाम। तेज बारिश की वजह से कई जगह पेड़ गिरे, मुंबई आने वाली 16 उड़ानें डायवर्ट की गई। मुंबई पुलिस की सलाह, सायन, वडाल, प्रतीक्षा नगर और किंग सर्कल में जाने से बचें। मुंबई मेट्रो में सफर करना महंगा हुआ, मुंबई मेट्रो ने किराए में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की। महाराष्ट्र में आज घोषित होंगे 10वीं के नतीजे, 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठे थे। मेट्रो का किराया बढ़ाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है केस, कोर्ट ने रोक लगा रखी है। मुंबई में अगले कुछ दिनों में बढ़ सकते हैं दूध के दाम, दुग्ध उत्पादक किसानों को खुश करने की सरकार की कवायद। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव में डेयरी मालिक 1 लीटर गाय के दूध के लिए 24 की बजाय 27 रुपए देंगे, जबकि भैंस के दूध के लिए 37 रुपए देंगे। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में 2 गुट आपस में भिड़े, चाकू तलवार से हमला, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। नागपुर में लुटेरी महिलाओं के गैंग का आतंक, नौकरी के बहाने नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर फरार हो जाती हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का नाम बदलने की मांग, बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने कहा भारत का द्वार नाम रखा जाए। दिल्ली के ओखला से पूर्व विधायक आजिम मोहम्मद पर हमला, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए 3-4 हथियारों से लैस बदमाश। ऑफिस के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, सूत्रों के मुताबिक पार्टी विवाद को लेकर हुआ हमला। कपिल मिश्रा आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ एसीबी को सौंपेंगे सबूत, दवा खरीद और सीएनजी घोटाले से जुड़े दस्तावेज होने का दावा। जेएनयू से लापता छात्र नजीब केस में किडनैपिंग का केस दर्ज, पिछले हफ्ते सीबीआई अधिकारियों से नजीब की मां ने मुलाकात की थी। दिल्ली के जनपथ में वेस्टर्न कोर्ट के पीछे वाले हिस्से में लगी आग पर काबू पाया गया, पुराने फर्नीचर में लगी थी आग। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा मुझे उम्मीद है योगी आदित्यनाथ राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। शिवपाल का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा 231 विधायकों वाली पार्टी 47 पर पहुंच गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बदायूं में सीएम योगी के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट को लेकर केस दर्ज, आरोपी डॉक्टर फरार। ट्रिपल तलाक पर यूपी की संबल पंचायत का ऐतिहासिक फैसला, पत्नी को तलाक देने पर 2 लाख का जुर्माना लगाया।
पीड़ित को मेहर के तौर पर 60,000 रुपए देने का आदेश। 52 गांव के लोगों ने एक मदरसे में लगाई पंचायत। यूपी के लखीमपुर खीरी में पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर किया। मथुरा में लुटेरों ने सीएनजी स्टेशन के मैनेजर से 25 लाख रुपए लूटे। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मऊ में बंदूक की नोक पर लूट, कपड़े की दुकान में लूट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं। पटना के पेट्रोल पंप से 19 लाख की लूट, बैंक में जमा कराने जा रहे 2 कर्मचारियों से बैग छीनकर भागे बदमाश। बिहार के बेगूसराय में मोबाइल चोरों के आरोप में एक चाचा ने अपने भतीजे की हत्या कर दी, घटना के बाद से आरोपी फरार। बिहार के गया में नक्सलियों ने सड़क बनाने में लगी 2 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के भागलपुर में एग्जाम के नाम पर मजाक, टीएनबी लॉ कॉलेज में जमीन पर बैठाकर ली गई परीक्षा, छात्रों ने जमकर की नकल। झारखंड के चाईबासा में 28 मई को युवक की हत्या के मामले में 2 पुलिसकर्मी समेत 5 गिरफ्तार, दोनों पुलिसकर्मियों ने दी हत्या की सुपारी। झारखंड के जमशेदपुर में 3 बच्चों पर लगा 5 साल की बच्ची से रेप का आरोप, 3 हिरासत में। मध्य प्रदेश में 15 जून से लागू होगी मुफ्त उच्च शिक्षा की योजना, भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लूट का विरोध करने पर हत्या, आरोपी की तलाश में कई जगह छापेमारी। ग्वालियर में हुए सिपाही समीर ढींगरा हत्याकांड का खुलासा, क्राइम ब्रांच में तैनात सिपाही महेश जाट ने संपत्ति को लेकर शार्प शूटर से करवाई हत्या। मध्य प्रदेश के सीहोर में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी, बैंक के साथ कई और लोगों से थी उधारी। राजस्थान के कोटा में मजदूर की हत्या, साथी ने ही पीट पीट कर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में क्रिकेट पर सट्टा लगाते बुकी समेत 5 सटोरिये गिरफ्तार। पंजाब में नशे के खिलाफ एसटीएफ ने निलंबित इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, घर से AK-47, 3 पिस्टल, विदेशी करेंसी पुलिस ने रिमांड पर भी लिया। दिल्ली के ड्राइवर की आंख में मिर्च डालकर कार छीनने वाला गिरफ्तार, पंजाब के तरन में पकड़ा गया। कपूरतला में वारदात को अंजाम देने के पहले ही पकड़े गए 5 बदमाश, पिस्टल और नशे की गोलियां बरामद। पंजाब के फरीदकोट में मंदिर से चोरी करने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया। कर्नाटक के रायचूर में महिला को लात मारता दिखा पुरुष कर्मचारी, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुजरात के वलसाड़ में नेशनल हाईवे 8 पर कार और ट्रक में टक्कर के बाद लगी आग, हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। गुजरात के बोटाद जिले में जादू टोना करने वालों के कार्यक्रम में पहुंचे गुजरात के 2 मंत्री, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा और सामाजिक न्याय मंत्री आत्माराम परमार। हैदराबाद में रिहायशी इमारत की बालकनी से गिरी 2 साल की बच्ची, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में हुआ अजगर के 56 बच्चों का जन्म, अजगरों ने अप्रैल महीने में दिए थे अंडे। चंडीगढ़ में महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, रेप छेड़खानी स्नैचिंग से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस स्वयं की शुरुआत। झारखंड के सिमडेगा में सीआईएसएफ जवान ने पेश की मिसाल, गरीब युवाओं को फौज में जाने की मुफ्त ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को मुरादाबाद में अनोखी सजा, माला पहनाकर शपथ दिलाई, हेलमेट के बिना कभी नहीं चलाएंगे बाइक। डीएमसी ने योग दिवस के लिए लुटियंस जोन के रास्तों में योगासन से जुड़ी पेंटिंग्स बनाई, विशेष क्लास भी चलाई जा रही है। एयर शो के साथ शिमला में एडवेंचर फेस्टिवल की शुरुआत, 1 हफ्ते चलने वाले प्रोग्राम के लिए सैलानी जुटे। तिब्बत में मौजूद कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा शुरू, 55 यात्रियों का पहला जत्था काठगोदाम पहुंचा, कुल 1060 यात्री करेंगे मानसरोवर के दर्शन। आखिरी दौर में मोसुल की लड़ाई, आईएसआईएस को अंदर तक खदेड़ा, हजारों नागरिकों ने शहर छोड़ा। कुर्दिश समर्थित अन्नाह न्यूज एजेंसी का दावा, रक्का शहर छोड़कर भाग रहे हैं लोग, रक्का में आईएसआईएस के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। कतर के साथ खाड़ी देशों के विवाद के बाद आम लोगों की परेशानी बढ़ी, बॉर्डर सील होने पर परिवारों से मिलना मुश्किल। ग्रीस के लेस्बोस आइलैंड पर तेज भूकंप, सैकड़ों इमारतें गिरी, 1 आदमी की मरने की खबर, भूकंप की तीव्रता 6.1 रही। अमेरिकी राष्ट्रपति की उनके स्टाफ ने खुलकर तारीफ की, ट्रंप के साथ काम करने को बताया सम्मान की बात। जूलियस सीजर में किरदारों को ट्रंप और मिलानिया के तौर पर दिखाने पर विवाद, डेल्टा एयरलाइंस और बैंक ऑफ अमेरिका ने स्पॉन्सरशिप से हाथ खींचे। ब्राजील के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महिलाओं का प्रदर्शन, हजारों महिलाएं शामिल। फ्रेंच स्पाइस
स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर एलन रॉबर्ट बार्सिलोना की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़े। राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मॉस्को में प्रदर्शन, हिरासत में 100 से ज्यादा युवक। चीन के शेनजेंग शहर में तूफान और बारिश से कई जगह जमीन धसी, मछुआरों को समंदर में न जाने के लिए हिदायत दी गई। 5 साल के सबसे निचले स्तर पर महंगाई, अप्रैल में 2.99% के बदले मई में रिटेल महंगाई दर 2.1% पर पहुंची। अब जल्द ही इनकम टैक्स नोटिस का जवाब ऑनलाइन दे सकेंगे, आयकर विभाग शुरू करेगा सुविधा, साथ ही एसएमएस से आया करेगा नोटिस। 14 जून को खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 15 जून को एजबेस्टन में होगा, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा। कार्डिफ में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, पाकिस्तान ने 45वें ओवर में ही श्रीलंका से मैच जीत लिया। भारतीय उच्चायोग ने टीम इंडिया के डिनर का आयोजन किया, लंदन में खिलाड़ियों समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। वेस्टइंडीज दौरे तक टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे अनिल कुंबले, बीसीसीआई ने दिया ऑफर। मुंबई के स्लम इलाकों में सलमान ने बनवाए 3,000 फ्री टॉयलेट्स, टॉयलेट के इनॉग्रेशन पर खुद पहुंचे सलमान खान।